Hello everybody, Assalamualaikum, welcome back to another one video. तो भाई लोग ये वीडियो खास एक रिएक्शन है ट्रेंड मेकर के ऊपर. तो भाई साहब ये हमारा पाकिस्तान का फर्स्ट सोलो वर्सेस स्क्वाड कॉन्कर की वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ. ये भाई साहब एक एंड लेवल वीडियो है जिसको हम लोग मिस ही नहीं कर सकते. ओके सोलो वर्सेस स्क्वाड में रैंक पुश करते हुए और दो उड़न तश्तरियां आ चुकी है. नेट कर दिया क्रूजर ऊपर की तरफ से भाई, लेकिन अगली टीम की तरफ से मोलोटोव की बारिश. इधर से किधर जाऊं? ओहो भाई माइनस और भाई फिर से अगेन और भाई. तो ये होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में. अगर कभी रैंक पुश करते वक्त आपकी सारी टीम मर जाए एंड आपको अकेले सरवाइव करना पड़ जाए, तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर पूरा कॉन्कर लगाने में मेरी कितनी मेहनत लगी. ये तो बात सही है भाई. भाई साहब एक लॉक कर दिया यहाँ पे. ओ भाई इधर निकलते हैं असली. ओ एम जी इज इक्वल टू ओ माय गॉड. भाई भाई जैसे माइनस किया वैसी प्लस करके कमबैक किया और भाई साहब पाकिस्तान का पहला सोलो वर्सेस स्क्वाड कॉन्कर. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो. उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे. सो फाइनली गाइस हमारा कॉन्कर हो चुका है कंप्लीट. इस सीजन आपका सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर कॉन्कर जो है वो भी मिडिल ईस्ट की सोलो वर्सेस स्क्वाड में 5.5 का पाकिस्तान का पहला एंड ओवरऑल वर्ल्ड का दूसरा ऐसा कॉन्कर है जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में दूसरा. जिन लोगों को नहीं पता 90% रैंक पुश मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर किया एंड बाकी 10% मैंने ऑफ स्ट्रीम खेला है. अब ऐसा नहीं है कि मैं ऑफ स्ट्रीम अपने टीममेट्स के साथ प्लस करता था. आपको मेरी करेक्टर आईडी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप मेरा कैरियर रिजल्ट चेक कर सकते हो. मैंने शो किया हुआ है आपको कोई भी ऐसा मैच नहीं मिला. लोगों को पता है कि आजकल कुछ लोग टॉप रन करते हैं और वो डबल शिफ्टिंग होती है फ्ला ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर क्रूजर ओपी ये भी कर सकता था कि वो यहाँ पर अपने साथ किसी और को बिठा देता कि भाई मैं जब लाइव स्ट्रीम बंद करूंगा तब तू आजी और स्क्वाड के साथ खेल के रैंक को प्लस कर दी. उसने ये भी प्रूव कर दिया वीडियो के अंदर कि भाई जब मैं ऑफलाइन था तो उस टाइम जब मैं मैच खेल रहा था तो तब भी मैं सोलो ही खेल रहा था. इट्स क्लियर, वेरी गुड. इसमें मेरा कोई टीममेट हो एंड बॉयज इस चीज के अंदर मेरी काफी ज्यादा एफर्ट लगी है. सो आने लगा है गेम प्ले जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में लगेगा. फाइनली भी आप भाई ने सोलो वर्सेस स्क्वाड होने वाला है यहां पर. किस तरह से लगा है इवेंट पर पहुंच चुके हैं और भाई भाई धूक बैंक की धूक बैंक के साथ एक बहुत प्यारी लोकेशन यहां पे होल्ड कर ली गई है. और भाई बंदा स्क्वाड और बंदा डाउन एंड फिनिश. भाई आजकल के दौर में ये ट्रेंड है भाई. सामने भाई जब भाई हो रहा भाई नॉक को फिनिश किया और फिनिश को भी नॉक कर दिया. हाँ जो आप लोग समझ रहे वैसे ही हुआ है बिल्कुल, लेकिन मैं गलत बोल चुका हूं. भाई साहब यहां पे चार किल यहां पे. अरे भाई भाई पानी के अंदर से आते हुए ला 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 क्या नॉक दिया भाई. आउट क्लास लेवल. जैसे कि भाई सोच समझ कर एक स्टेप लेना पड़ता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में कि भाई यहाँ पे मैं घुसूंगा मर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई रिवाइव की ऑप्शन नहीं होती, कोई यहाँ पे भाई साहब रिकॉल की ऑप्शन नहीं होती. भाई यहाँ पे तो ओके एक और बंदा भाई ये पानी में से ही आया है और भाई शॉटगन दे मारी. अरे पीछे से पीछे बड़े आड़ है, मेन साइड से पीछे बड़े आड़ है. 6 किल यहाँ पर कर चुका है भाई क्रूजर ओपी. ओके क्रूजर ओपी अब सपोर्ट हो गया. मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाली है. ला 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 भाई डैमेज, लेकिन क्रूजर ओपी हीला पहुंच चुकी है भाई. आई थिंक जो क्रूजर ओपी अगेन एक थर्ड पार्टी लेते हुए भाई क्या नॉक दिया भाई. और नॉक भाई क्या यूएमपी के साथ पियानो बजाया है. ओके यहां पर एक किल ये मिलेगा और आई थिंक जो इसने नॉक
जाएंगे तो उसका भी किल मिल जाएगा यहाँ ही। अब जैसे ही रिकॉल का टाइम आता है ना, मेरा काम होता है फौरन से रिकॉल की ट्राई करना, क्योंकि अगर मेरा रिकॉल मिस हो जाता है ना तो पूरी गेम के अंदर मेरे पास कोई दूसरा चांस नहीं है, मुझे सिंगल रिकॉल ही खेलना पड़ता है क्योंकि मेरा कोई टीममेट नहीं है जो मुझे रिकॉल दे सके। सो फौरन से मैं मेन बिल्डिंग के अंदर पुश करा देता हूँ। ऑटो रिकॉल उठाने के चक्कर में भाई, और भाई ऑलरेडी वहां पे कोई रिकॉल उठा रहा है और भाई उसको नॉक दे दिया है। अरे भाई ओ और रिकॉल मिल जाता है भाई, रिकॉल मिल गया, लेकिन भाई एक और बंदा सामने से आ चुका है भाई। जैसे कि देखो तुम लोग लॉबी आम नहीं है, सामने आओ जोकर, मतलब कि ये टिकटॉकर्स वगैरह आए हुए हैं सब लोग लॉबी में, लेवल पानी करके स्पॉट किया जा रहा है भाई साहब, ताकि अगले को गोते आए और वो बंदे को स्पॉट आ रहा है भाई, बंदा आ गया। ओ भाई जीरो एचपी, ओ हाउ शी डाइज नॉक, ओ भाई नो मोर वाइटी को भी नॉक कर दिया यहाँ पे, बहुत ही प्यारा भाई साहब 1v3 करते हुए भाई क्रूजर ओपी 10 किल्स तो। अरे अरे भाई 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 हाउ काका को भी नॉक कर दिया यहाँ पे भाई साहब, क्या मतलब भाई, भाई थूकों का मैंने जैसे कहा इस गेम में पुरजोर इस्तेमाल हो रहा है भाई, थूक आउट क्लास लेवल इस्तेमाल हो रही है, बहुत आला भाई। पीछे से आकर किल अपना कवर किया भाई साहब यहाँ पे, और एक और बंदा भाई प्री फायर देखकर स्पॉट करते हुए कि शायद कोई बीच में सपरे में आ जाए, लेकिन नहीं भाई फिर से थूक भाई, थूक पे थूक, थूक पे थूक, फिर से OMG वाला सीन है भाई। और भाई आई थिंक जो रश आ गया भाई, वेरी गुड यार वेरी गुड, यहां पे दिमाग का इस्तेमाल किया गया है कि यहां पर उसको इस साइड से एंगल चेंज करना पड़ना भाई साहब, और भाई चूक बैंकर उड़ा लिया भाई बंदे को, साथ ही अपने शहजाद पट्टी का किल यहां पे उठा लिया भाई साहब। अब यहां पर आई थिंक जो वॉच टावर में बंदा, लेकिन नहीं भाई देखा जाए तो मैप में दिखा रहा है प्लेयर्स इन एरिया 3, मतलब के दो और बंदे मौजूद है, और जंप करके आई थिंक जो अगेन 1v1 की फाइट लेते हुए भाई भाई पीक भाई पीक भाई 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 P90 के साथ भाई एक और भाई यहां पे लॉक कर दिया। और आप लोग देखी जाओ भाई अगला भाई, अभी भी एक बंदा है और किसी के साथ साथ आई थिंक किंग बनते हुए भाई 14 किल मारने के बाद इवेंट क्लियर कर दिया कि यहां पे 14 किल्स निकल आते हैं। इसके बाद मैं आगे की साइड जाता हूं, सामने मुझे बग्गी नजर आती है। एक बात बता दूं, इवेंट पर 14 किल करना और अकेले उस इवेंट के ऊपर खड़े रहकर इमोट करना, इट मींस के इवेंट को 14 लगाना 14 किल के साथ, OMG बहुत प्यारा भाई। खतरनाक जबड़े के साथ दोनों के दोनों नॉक कर दिया भाई। ओके अपने किल कवर करते हैं भाई, एक फिनिश कर दिया है। अब इन लोगों को मारने के बाद आपके भाई के 16 किल्स होते हैं कंप्लीट। सो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो नीचे गैस करके बताओ कि इस गेम के अंदर आपका भाई कितने किल्स निकालने वाला है। सामने मेरे ख्याल से जो मैं इस बंदे के साथ फाइट लेने वाला हूं ना, आप लोग देख के एकदम हैरान रह जाओगे। ओ भाई बॉट, जैसे ही मैं जंप करता हूँ ना मुझसे थोड़ा मिसटैप होता है एंड मेरी गन सिंगल पिस्टल जैसी है। पहली टीम देखने में थोड़ी सी नॉर्मल लग रही होती है, सो मेरे पास रिकॉल होता है, मैं दोबारा से इन बंदों में लैंड करता हूँ ताकि मैं प्लेयरों से मर जाता है यार, लाइक मेरी तरह, मैं भी इसी तरह ही ना, मेरे सामने को बहुत सा प्लेयर है ना, मैं मर जाता हूँ भाई। लेकिन आई थिंक जो सपोर्ट किया गया बंदे को और भाई साहब पानी फेंक कर कोते देकर मारे अगले को। ओके भाई सामने चमचड़ी खा गई है, मारने के बाद लूट करने के बाद जैसे मैं निकलने भाई की सोचता हूँ ना, साथ यहाँ पे बग्गी का पुश आ जाता भाई है, अगेन बग्गी आ गया भाई। अरे भाई आई थिंक सो ये स्टीम स्नाइपर ही थी, लेकिन नहीं भाई एक बंदा थूक मार के ऊपर चढ़ चुका है ट्रिपल चोरी के भाई, ये थोड़ी मुश्किल होने वाली है। YouTube काफला की तरफ से, लेकिन भाई साहब अपने आप को हील देने के लिए
भाई तू का अपना तू का नहीं पानी का इस्तेमाल किया गया भाई, गलती की आई थिंक सो, फिनिश नहीं किया, 20 किलो हो चुके हैं, फिनिश कर चुका, नहीं भाई फिनिश नहीं किया अभी तक। भाई साहब 1v2 कर दिया, और ये भाई मैं कह रू गजब ना, ओ भाई आप जितने भी बंदे हैं 14 के 14 बंदे यहीं पे मरनी है, यहीं पे जिंदा रहने। ओके क्रूजर ओपी भाई, ये देखने वाली सिचुएशन है, क्रूजर ओपी क्या यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा सोलो वर्सेस स्क्वाड में, वो भी कॉन्करर लॉबी में। भाई साहब ओ यार ये शायद कोई अकेला ही बंदा बचा हुआ था एक टीम का, इसको क्रूजर ओपी की तरफ से फिनिश कर दिया गया भाई, 24 किल्स और 13 बंदे लाए भाई। ट्रक आ रहा है पीछे से भाई, ट्रक आ रहा है, रे 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 रे, ओ नेट के साथ भी मार दिया गया भाई। ओके अरे रे रे, ओ ला 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 ला, ओ भाई ये भी तरीका अच्छा है यार, ये भी तरीका अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा है भाई, जब पड़े तो हिल करने के लिए उड़ जाओ, हम भी उड़ो उड़ते साथ भाई साहब, हिल करो क्या बात है। उड़ती पिड़ू मरते का कलम, ओ ला 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 ला, भाई साहब दो बंदे और आ चुके हैं भाई चमगादड़ में भाई, क्रूजर फिर से मुश्किल में, क्रूजर फिर से मुश्किल में भाई, शायद अगर ये यहाँ पर नॉक भी हो जाए तो इसको कोई रिवाइव नहीं देगा, अगर इसको कोई टीम आउट होता तो वो उसको कवर दे सकता, लेकिन यहाँ पर कोई कवर तक भी नहीं मिल सकता क्योंकि क्रूजर ओपी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा है। ना भाई मैं कह रहा हूं कम पै गया जाए भाई, फिर से थर्ड पार्टी करते हुए आज जो भाई मौके का फायदा उठाते हुए, भाई मौके का फायदा उठाते हुए, और यार भाई मैं कह रहा हूं आउट कर दे भाई, 27 किल कर चुका है यहां पे क्रूजर ओपी, एक अच्छा और बिरजे भाई साहब उड़ते हुए, और बिरजे भाई उड़ते हुए बंदों को सपोर्ट किया जा रहा है यार भाई, हाओ जोकर, हाओ जोकर रोजा पकड़ के भाई, लेकिन भाई अंधे धुन यहाँ पे रश कर दिया गया हाओ जोकर के ऊपर भाई, जब क्या हाओ जोकर भी अच्छा खेल रहा देखा यार, भाई साहब आउट क्लास लेवल मारा है क्रूजर ने ये वाला बंदा, मैं कह रहा हूं इसमें मेरी ऑटोमेटिकली तालियां बज गई हैं, और ये भाई तीन बंदे सरवाइव कर रहे हैं इस टाइम, 28 किल्स वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्रूजर ओपी, भाई ये गेम प्ले देखने के बाद मतलब दिल करता है कि यार मैं भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलूं यार, मैं भी कुछ करूं इस तरह का यार, मजा आएगा भाई, लेकिन भाई इतना इजी नहीं है ना सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर कॉन्कर लगाना, और वो भी ऐसी, और नेड वर्सेस नेड, और भाई दोनों का नेड मिस हो चुका है भाई, पानी बहक रहा है भाई, अगली टीम सामने मेरे दो बंदे होते हैं जिनके साथ मेरी नेड वर्सेस नेड की फाइट चल रही होती है, पीछे से एक बंदा आता है एंड इन दोनों बंदों को यहाँ पे नॉक फिनिश करा देता है। ये भी अच्छा हो गया भाई, एक ही बंदा जिसको मेरी लोकेशन का तो आइडिया नहीं होता, बट मुझे उसकी लोकेशन का एग्जैक्ट पता होता है, बिल्कुल सामने वाले पत्थर पे होता है एंड जैसे ही बंदा पत्थर को तोड़ता है ना, मैं इस बंदे को यहाँ पे आराम से किल कर दूंगा, इसके साथ आपके भाई का 29 चिकन होता है कंप्लीट। यहाँ पर कमेंट में बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि बाजवे ने क्रूजर पर रिएक्ट किया है, तो बाजवा क्रूजर के साथ है और ब्रांड के साथ नहीं, इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, बाजवे ने क्रूजर पे रिएक्ट कर दिया है, तो मैं भाई साहब उस चीज से दूर हूं, ये वो उस रिलेटेड या उसकी वजह से कोई भी रिएक्ट नहीं है, मुझे काफी लोगों ने मेंशन किया हुआ था, बोला हुआ था कि भाई साहब उसने क्रूजर ने एक दफा पहले भी वर्ल्ड क्लोज इनकाउंटर किया था तो तब भी कोई अप्रिशिएट नहीं था, मैं खुद बोलता हूं ये चीज, मैंने खुद भी कुछ भी नहीं करा, ठीक है, तो अभी देखा जाए तो एक और अचीवमेंट जो कि मैं कह रहा हूं एंड लेवल है, सोलो वर्सेस स्क्वाड में पहला बंदा है जिसने पाकिस्तान में कॉन्कर लगाया है, वो भी 10 की केडी के साथ,
तो भाई साहब इसी के साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं, हम लोगों में ये सीन बाकी है, ठीक है ना। अब स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड में तुम लोगों को भी पता है कि बुद्धू का तो चला हुआ है, तीन बंदे हेल्प करवा रहे होते हैं, एक बंदे को केडी बनवा रहे होते हैं, और इस तरह एशिया की लॉबी में सबको पता है, ए टू जेड हर बंदे को पता है। तो भाई साहब अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है, ट्रिक आपके पास भी है, तो आप भी रिकॉर्ड बना सकते हो। ये मैं दोनों की साइड, चारों की साइड लेके बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आओ ब्रांड ने केडी का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, आप सब लोगों को चाहिए था कि आओ ब्रांड का लिंक लगाते वीडियो का कि भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए, अप्रिशिएट करते। फिर बाद में समर गोपी ने 32 केडी का रिकॉर्ड बनाया, तो आओ ब्रांड को चाहिए था कि वो भी अपने वहां पे लगाता कि भाई साहब हाईएस्ट केडी का रिकॉर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद भाई साहब जैसे टीजी एल्बर्ट ने लगाया, कॉनकर लगाया 36 की केडी का, जो कि अभी तक लेटेस्ट हाईएस्ट रिकॉर्ड है, तो वहां पर चाहिए था कि सब के सब जितने भी पाकिस्तान के स्टीमर है, मैं तो ये कह रहा हूं हसद करना छोड़ देना, अगर हम सब लोग तो हमारी जैसी कम्युनिटी नहीं है सपोर्टिव, ठीक है ना। तो हसद ही हम लोगों को यहां पर लेके जा रही है। हमें क्या चाहिए कि हम सब लोगों को ए टू जेड जो जो रिकॉर्ड बना रहे हैं कम से कम उनको सपोर्ट करे। तो मैं कह रहा हूं भाई जो बात है, मैं ट्रेंड मेकर इस बेस पर क्रूजर ओपी को कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसकी ये जो अचीवमेंट है इसे अप्रिशिएट हुआ, क्योंकि फोर वर्सेस फोर स्क्वाड में अब ना वो पुरानी लॉबी जाती है, ना वो सर्वाइवल होता है, ना वो गेम प्ले होती है, ना ही वो लॉबी मैचिंग वाली आती है शुगल मेले वाली। तो भाई साहब मैं खुद नेक्स्टली या फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड में कॉन्कर करूंगा, या फिर मैं डेडली डुओ चाचे दे के साथ डुओ वर्सेस स्क्वाड में कॉन्कर करूंगा, ताकि कुछ नया हो जाए। तो भाई लोग लाजमी सब लोग जितने भी है ना, ये मैंने लिंक बायो में लगा दिया क्रूजर ओपी के चैनल का, और कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट पाकिस्तानी एवर जिसने ये अचीवमेंट किया सोलो वर्सेस स्क्वाड कॉन्कर में 10 की केडी के साथ। तो बिग लव एंड बिग रिस्पेक्ट और बिगेस्ट सल्यूट फॉर एवरी वन सिंगल क्रिएटर जो जो मेहनत कर रहा है, लव यू वाला सीन है बाबा जी। और एक रिकॉर्ड जितू बाजवा बनाएगा ना, ऐसे रिकॉर्ड बना रहे ने ना टूट जाते ने, जितू बाजवा रिकॉर्ड बनाएगा ना टूटने छुटने कोई नहीं जे। ख्याल रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्त कर देना। बाय बाय।